हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन, सब्सक्राइब करें तिलक। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। आइए गुरुदेव। देवर्षि, राजगुरु क्यों आए हैं? नारायण नारायण, आपके प्रश्नों के जवाब आपको शीघ्र मिल जाएंगे देवी। पहले राजगुरु और शंबरासुर की भेंट तो होने दें। देवर्षि, राजगुरु को देखकर मेरे मन में भय की आंधी से क्यों उठ रही है? शंबरासुर के राजगुरु का तेजस्वी चेहरा और उनकी तेजस्वी आंखें बता रही हैं कि वो ज्ञानी हैं, तपस्वी हैं। नारायण नारायण नारायण। गुरुदेव, आप रुक क्यों गए? क्या हुआ? मुझे राजमहल पर संकट की काली छाया दिखाई दे रही है। परंतु मुझे तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा गुरुदेव। तुम्हें वो छाया दिखाई भी नहीं देगी युवराज कुंभ केतु। यदि काली छाया है भी तो इसमें चिंता की कौन सी बात है गुरुदेव? ये छाया घोर संकट का प्रतीक है। राजमहल पर अवश्य कोई विकट समय आने वाला है। विकट समय? घोर संकट? हाँ।
साक्षात रूप मैं। महर्षि मैं हूँ मृत्यु लोक का अंतिम सत्य मृत्यु। हे काल पुरुष, आप मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। अब आपसे मेरी प्रार्थना है, कृपया बताइए कि आप दैत्यराज चंद्रासुर के राजमहल में किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? मेरे भक्ष की, जिसकी आत्मा को दबोच कर ले जाना है मुझे। कौन है आपका भक्ष, किसकी मृत्यु आई है? स्वयं शंबरासुर की। परंतु हे काल पुरुष, शंबरासुर तो अजय है। अजय केवल मैं हूं गुरुदेव, मैं हूं अमर, केवल मैं अमर हूं, मैं ही चिरंतन सत्य हूं गुरुदेव, केवल मैं ही। चंद्रासुर जैसे महावीर अहंकार के कारण भ्रमित होकर अपने आप को अजय और अमर समझते हैं, ये उनकी भूल है। हे गुरुदेव, मैं शंबरासुर का काल हूँ। काल। चलो राजकुमार। देवर्षि, अब क्या होगा? राजगुरु को तो अब सब पता चल गया है। चिंता मत करो देवी, आगे देखो क्या होता है। नारायण नारायण। तो भय लग रहा है। नारायण नारायण, भय? भय किस बात का? इस तेजस्वी राजगुरु ने अपनी दिव्य दृष्टि से अब जान लिया है कि प्रद्युम्न ही शंबरासुर का मृत्यु दाता बनने वाला है। नारायण नारायण, अब क्या होगा देवर्षि? जो भी होगा, प्रभु की इच्छा के विरुद्ध थोड़े ही होगा देवी। नारायण नारायण। चलिए गुरुदेव, विलम्ब हो रहा है। हाँ, लगता है विलंब कुछ अधिक ही हो गया है। चलो मायावती, ये देखिए पांच। एक दो तीन चार पांच। महाराज की जय हो। क्या बात है प्रतिहारी? महाराज, गुरुदेव आए हैं। गुरुदेव आए हैं? आइए महारानी जी, चलिए। प्रणाम गुरुदेव।
प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव, सौभाग्यवती भव। प्रणाम पिताश्री, प्रणाम माताश्री। शंबरासुर, तुम्हारी गुरु भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। तुम परम प्रतापी हो, महावीर हो, त्रिलोक पर असुरों का अधिराज स्थापित करने की क्षमता भी रखते हो। गुरुदेव, इसी कारण आपके दर्शन की अभिलाषा थी। आपसे मिलने की अनुमति प्राप्त करने के लिए ही मैंने अपने पुत्र कुंभकेतु को आपके पास भेजा था, परंतु आपने स्वयं आकर मुझे अनुग्रहित कर दिया है। गुरुदेव, गुरुदेव, त्रिलोक पर अधिराज स्थापित करने की मेरी महत्वाकांक्षा है। मैं शीघ्र ही मृत्युलोक पर विजय प्राप्त करने के लिए आक्रमण करूंगा। मुझे आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है गुरुदेव। शंबरासुर, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है, और मुझे विश्वास भी है कि तुम मृत्युलोक पर विजय प्राप्त करके ही रहोगे। परंतु 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 क्या गुरुदेव? शंबरासुर, मेरा आशीर्वाद लेने से पहले ये बताइए, ये कौन बालक रो रहा है? प्रद्युम्न रो रहा है गुरुदेव। प्रद्युम्न? हाँ गुरुदेव, हमारी दासी भानामती का पुत्र। दासी का पुत्र? हाँ गुरुदेव, कृष्ण के पुत्र का वध करने के बाद मैंने ही भानामती के पुत्र का नामकरण किया है, प्रद्युम्न। शंबरासुर, शास्त्र कहता है जब अपने ही राज्य में राजा बलवान हो जाता है और जब उसका मार्ग निष्कंटक हो जाता है, तभी उसे दूसरे राज्यों पर आक्रमण करना चाहिए। मैं तुम्हें मृत्युलोक पर आक्रमण करने की आज्ञा तो दूंगा, परंतु इससे पहले तुम्हें स्वयं अपना मार्ग निष्कंटक करने के लिए भी कहूंगा। निष्कंटक? इसका अर्थ यह हुआ गुरुदेव कि हमारे पिताश्री परम प्रतापी असुर राज शंबरासुर महाराज का मार्ग निष्कंटक नहीं है? हां कुंभकेतु, और महाराज शंबरासुर, मैं तुम्हें एक चेतावनी देता हूं। चेतावनी? आप कृपया स्पष्ट शब्दों में कहिए गुरुदेव। मायावती, यदि स्पष्ट शब्दों में सुनना चाहती हो तो सुनो। मृत्यु लोक पर शंबरासुर के आक्रमण का अर्थ केवल मृत्यु को निमंत्रण देने के बराबर होगा। मृत्यु को निमंत्रण? हाँ मायावती, तुमने पिछले युद्ध में अपना एक पुत्र खोया था, अब दूसरे पुत्र तथा उसके तथा पिता को भी खोने की आशंका है। मैं नहीं मानता इस बात को गुरुदेव, ये सत्य नहीं है। मैं अमर हूं, मुझे कोई नहीं मार सकता गुरुदेव, कोई नहीं मार सकता। क्षमा करें गुरुदेव, आपकी भविष्यवाणी गलत भी हो सकती है, कदापि गलत नहीं हो सकती है। आप इसे गलत कर दिखाइए गुरुदेव। मैं अपने सुहाग और पुत्र को खोना नहीं चाहती। गुरुदेव, मायावती के मन की शांति के लिए कोई उपाय अवश्य कीजिए, परंतु यह तो बताइए इस आशंका का कारण क्या है? ये बच्चे का रोना सुन रहे हैं,
रोना नहीं है, मृत्यु का हास्य है। ये कोई साधारण बालक नहीं है, मृत्यु ने ही बालक के रूप में जन्म लिया है। यदि ये बालक जीवित रहा तो समझो सर्वनाश हो जाएगा। दैत्यराज, इस बालक का वध तुम्हारी सुरक्षा का आश्वासन है, इसलिए यदि तुम मेरा आशीर्वाद चाहते हो तो इस बालक के वध के बाद ही मिलेगा। इससे पहले मैं केवल यही आशीर्वाद दे सकता हूं कि तुम प्रद्युम्न का वध करने में समर्थ रहो। अब मुझे आज्ञा दीजिए। पुत्र कुंभकेतु, गुरुदेव को आश्रम तक विदा कराओ। जो आज्ञा पिताश्री। चलिए गुरुदेव। गुरुदेव ये क्या कह गए? इस राजमहल में मृत्यु वास कर रही है। प्रद्युम्न पर आपको विजय प्राप्त करनी होगी महाराज। गुरुदेव ने तो हमारी बेचैनी बढ़ा दी महाराज। मायावती, एक बालक जिसे सदा सर्वदा माता की ममता के आधार की आवश्यकता होती है, जो बोल नहीं सकता है लेकिन रो रो कर अपनी माता का ध्यान आकर्षित कर लेता है, उस बालक पर गुरुदेव मुझे विजय प्राप्त करने के लिए कह रहे हैं। इस शंबरासुर को जिसे आदि माता पार्वती का वरदान प्राप्त है, उसे एक बालक पर विजय प्राप्त करने को कह रहे हैं। देवी मायावती, वृद्धावस्था के कारण गुरुदेव की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। अल्ले अल्ले। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम राजकुमार। आयुष्मान भव। किसका है ये बालक? ये मेरा पुत्र है गुरुदेव, प्रद्युम्न। इसे आशीर्वाद दीजिए, ये धन्य हो जाएगा। हाँ गुरुदेव, आप इसे आशीर्वाद दीजिए। हमारे पुत्र को आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव। इसे आशीर्वाद नहीं दे सकता वत्स। क्यों गुरुदेव? क्योंकि यह बालक अशुभ है। अशुभ है? ये आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? एक निष्पाप बालक अशुभ कैसे हो सकता है? गुरुदेव, क्या यह बालक
सचमुच में अशुभ है? मेरा विश्वास करो वत्स, ये बालक असुरेश्वर शंभरासुर के लिए अशुभ है। मुझे कोई मान ही नहीं सकता, मैं काल हूं काल। और इस संसार में केवल मृत्यु की ही मृत्यु नहीं है, मैं अमर हूं, अमर हूं मैं। इस बालक के कारण ना केवल शंभरासुर का नाश होगा बल्कि शंभरासुर के साम्राज्य का भी विनाश होगा। इस बालक की मृत्यु शंभरासुर के लिए अमृतत्व का वरदान है, तुम शीघ्र इसे नष्ट कर दो। नहीं गुरुदेव। भानामती, यदि तुम महाराज शंभरासुर और उनके राज्य का भला चाहती हो तो शीघ्र इस बालक को नष्ट कर दो। नहीं गुरुदेव। नष्ट कर दो इसे। नहीं, ये बच्चा मैं नष्ट नहीं करने दूंगी, ये बच्चा मेरा है। नष्ट कर दो इसे। कुंभकेतु, इस बालक से मुझे अशुभ संकेत मिल रहे हैं। यदि ये बालक जीवित रहा तो ना केवल महाराज शंभरासुर और उनके परिवार के लिए बल्कि समस्त साम्राज्य के लिए घातक सिद्ध होगा। इसलिए तुम 7 दिनों के अंदर इस बालक का वध कर दो। चल गया वासुदेव, आपने प्रद्युम्न को ढूंढ निकाला? मैं जानती थी आप परम प्रतापी हैं, आपके लिए कोई काम असंभव नहीं। आपने अवश्य हमारे पुत्र को ढूंढ निकाला होगा। बताइए ना, कौन से मायावी दैत्य ने उसका हरण किया था? बताइए ना वासुदेव। आप दोनों कुछ बोल नहीं रहे, इसका अर्थ यह हुआ कि प्रद्युम्न अब तक मायावी दैत्यों के हाथों में है। हाँ देवी, आप असत्य कह रहे हैं वासुदेव, आप असत्य कह रहे हैं। देवी, मैं कभी असत्य नहीं कहता, मैं हमेशा सत्य और धर्म के रास्ते पर चलता हूं। तो सत्य क्या है वासुदेव? सत्य यही है सत्यभामा कि प्रद्युम्न का हरण हो गया है। और धर्म क्या है वासुदेव? इस समय धर्म क्या है इसका विवेचन करना यह भी मेरे लिए एक
धर्म संकट है सत्यभामा। प्रद्युम्न का पिता होने के नाते उसकी सुरक्षा करना, उसे लाड़ प्यार देना, ये मेरा धर्म है। प्रद्युम्न का हरण होने के बाद उसे ढूंढ निकाल कर सुरक्षित रखना, यह भी मेरा एक धर्म है। किंतु वासुदेव, आपने अपना धर्म नहीं निभाया। आप यही कहना चाहती हैं ना देवी? बस बस वासुदेव, प्रद्युम्न के हरण हो जाने से मैं भ्रमित हो गई थी। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मैं तो भावुक होकर अपना विवेक भी खो बैठी। मुझे क्षमा कर दीजिए वासुदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। और मेरी ये जो जीवा धर्म के संबंध में आप पर आरोप लगाने जा रही थी, इसे काट दीजिए वासुदेव, इसे काट दीजिए। सत्यभामा, पुत्र वियोग के कारण तुम्हारा व्याकुल होना उचित ही है। तुमने कोई अपराध नहीं किया, तुम अपना धर्म निभा रही हो और मैं अपना धर्म निभा रहा हूं। आपका धर्म? आप कौन सा धर्म निभा रहे हैं वासुदेव? सत्यभामा, मैं जैसे प्रद्युम्न का पिता हूं, उसी तरह सत्य और धर्म का प्रतिनिधि होने के नाते धर्म की रक्षा करना और अधर्म और अधर्मियों का नाश करना, यह भी तो मेरा एक धर्म है सत्यभामा। पिता का धर्म और धर्म पक्ष के प्रतिनिधि का धर्म, ये दोनों धर्म जब एक दूसरे से टकराते हैं, तब धर्म पक्ष के प्रतिनिधि के धर्म का पलड़ा हमेशा भारी होता है। अर्थात ये सत्यभामा कि मेरे पुत्र प्रद्युम्न से त्रिलोक का कल्याण महत्वपूर्ण है। यदि मैं भी पुत्र मोह के कारण विचलित हो गया तो त्रिलोक में हाहाकार मच जाएगी। देवी, त्रिलोक में हाहाकार मच जाएगी। समय के अनुसार अपने किस धर्म को महत्व देना चाहिए, ये हर व्यक्ति को जानना अति आवश्यक है। देवी, इसका अर्थ ये हुआ वासुदेव कि प्रद्युम्न का हरण होना समय की मांग है। सत्यभामा, यही समझाने तो तुम्हें द्वारकाधीश यहां आए हैं। सत्यभामा, शास्त्र वचन कहता है कि यदि परिवार पर संकट आए तो उसके विमोचन के लिए परिवार के एक सदस्य को त्यागना पड़े तो त्याग दीजिए। यदि गांव पर संकट आए तो गांव की रक्षा के लिए यदि घर का त्याग करना पड़े तो उस घर को त्याग दीजिए। और यदि राज्य पर संकट आए और राज्य की रक्षा के लिए एक गांव को त्यागना पड़े तो उस गांव को त्याग दीजिए। इसका अर्थ त्रिलोक के कल्याण के लिए आपने प्रद्युम्न का त्याग किया है? त्याग शब्द उचित नहीं है सत्यभामा। प्रद्युम्न का हरण हुआ है और त्रिलोक के कल्याण के लिए प्रद्युम्न का हरण होना आवश्यक था। दीदी, आप भी? सत्यभामा, जैसे मैं एक माँ हूं वैसे मैं एक पत्नी भी हूं। अपने पति का साथ देने का पत्नी धर्म निभा रही हूं। दीदी, क्या हमारा प्रद्युम्न वहां सुरक्षित होगा? सत्यभामा, जिस पर त्रिलोकीनाथ की कृपा दृष्टि हो उसे भय कैसा? सत्यभामा, प्रद्युम्न बिल्कुल सुरक्षित है।
मैंने अपने पिता का धर्म निभाकर उसकी सुरक्षा की है। तुम चिंता भी ना करो और दुखी भी ना हो। दीदी, मेरी तो समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। सत्यभामा, प्रद्युम्न की बिल्कुल चिंता ना करो, हमारा प्रद्युम्न सुरक्षित ही है। हाँ, वो सुरक्षित है। अब हमारे प्रद्युम्न के प्राण यहाँ सुरक्षित नहीं है। हमें इस राजमहल को और इस देश को शीघ्र ही छोड़ना पड़ेगा। थानामती, तुम्हें इस बच्चे की सुरक्षा की पड़ी है और मैं महाराज शंबरासुर की सुरक्षा के बारे में सोच रहा हूं। आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? मुझे भय लगता है। आप जल्दी कीजिए, हम शंबरासुर के इस साम्राज्य की सीमा रेखा से बाहर निकल जाते हैं। नहीं बारामती, महाराज की मृत्यु को लेकर हम कहीं नहीं जाएंगे। महाराज की सुरक्षा के लिए हम इस बच्चे की बलि देंगे, भेंट चढ़ा देंगे महाराज के प्राणों पर। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं ठीक कह रहा हूं भानामती। राजगुरु की चेतावनी तो तुमने भी सुनी है। ये बालक महाराज के लिए और हम सब के लिए मृत्यु दाता बनकर आया है। इस राजमहल को उजाड़ने आया है ये। नहीं नहीं, ये फूल तो मेरी सूनी गोद भरने आया है, मेरे उजड़े जीवन में बसंत बनकर आया है ये। ये तुम किस मोह माया में पड़ गई हो? पुत्र मोह को भूल जाओ और स्वामी भक्ति को याद रखो। तुम ये क्यों भूल गई हो कि महाराज शंबरासुर हमारे स्वामी हैं? ये बालक हमारा कौन है? ये हमारा पुत्र है। ये हमारा पुत्र नहीं है। अकारण भावुक होकर तुम इसे अपनी संतान मान रही हो। ये बालक हमारा पुत्र कैसे हो सकता है? ये बालक तुम्हारे पेट से नहीं, मछली के पेट से मिला है। न ये तुम्हारा पुत्र है और ना ही तुम इसकी माँ हो। परंतु मैंने इसे अपना दूध तो पिलाया है। यही तो भूल की है तुमने। साहब को दूध नहीं पिलाना चाहिए था। इसके पहले कि ये महाराज शंबरासुर का विनाश करे, ये बालक मुझे दे दो। नहीं, ये बच्चा मुझे दे दो। नहीं दूंगी मैं। जिसे अपना दूध पिलाया है उसका खून अपने ही हाथों नहीं बहा सकते आप। मैं अपने बालक की बलि नहीं चढ़ने दूंगी। ये बालक मुझे दे दो। नहीं, ये बालक मुझे दो। नहीं दूंगी मैं। ये बालक मुझे दो। नहीं दूंगी मैं अपना बालक। ये बालक मुझे दे दो। भानासुर, भानामती, अब क्या करोगी तुम? भानासुर, भानासुर, कहाँ है बालक? प्राणों के शत्रु को लेकर हमसे दूर भाग रही थी, क्यों? राजकुमार, ये बच्चा मुझे बड़ी प्रार्थना के बाद मिला है। ये मेरा इकलौता पुत्र है। आप इसे छोड़ दीजिए, इसे मत मारिए। असंभव, असंभव भानामती। तुम्हारा पुत्र अशुभ है, ये अशुभ है, इसे नष्ट करना ही होगा। नहीं भानामती, तुम्हारे पुत्र को चुप चाप हमारे हवाले कर दो। नहीं, मैं इसे महाराज के पास ले जाऊंगी, वही निर्णय करेंगे। भानामती, इसे हमें दे दो। लाओ। नहीं। महाराज, रक्षा कीजिए। महाराज, महाराज,
क्या हो रहा है पुत्र कुंभकेतु? माताश्री, मैं तो गुरुदेव के आदेश का पालन कर रहा हूँ। गुरुदेव ने मुझे आज्ञा दी है कि भानुमति के इस बालक को नष्ट कर दिया जाए। नहीं महाराज, नहीं। मेरा बच्चा तो एक नन्हा सा बालक है, उसने कोई अपराध नहीं किया है महाराज। महाराज आप ही बताइए, क्या ये बालक अशुभ हो सकता है? महारानी आप बताइए, क्या बालक अशुभ हो सकता है? नहीं महाराज, बालक तो निष्पाप होता है महाराज। महाराज आप इसके रक्षा कीजिए। किंतु ये बालक पापी है। नहीं महाराज, मेरे बालक ने कोई पाप नहीं किया है महाराज। आप ही न्याय कीजिए महाराज। परसों बाद मुझे पुत्र लाभ हुआ है, क्या अब वो मुझसे छिन जाएगा महाराज? नहीं, पुत्र बिना मेरा जीवन उजड़ जाएगा महाराज, विरान हो जाएगा। आप ही ने तो इसे महावीर होने का आशीर्वाद दिया है ना, क्या आप स्वयं अपने आशीर्वाद को विफल कर देंगे? नहीं महाराज, ऐसा मत कीजिए महाराज, ऐसा मत कीजिए। मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए महाराज, मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए। पिताश्री, यदि यह बालक जीवित रहा तो आपका जीवन नष्ट हो जाएगा। गुरुदेव ने ऐसा ही कहा है, इसलिए आप मुझे इस बालक को नष्ट करने की आज्ञा दीजिए। कीजिए महाराज, ऐसा मत कीजिए। कुंभकेतु, प्रद्युम्न कैसे रो रहा है? जो बालक शंबरासुर की हंसी मात्र से रोने लगता है, वो भला शंबरासुर का विनाश कैसे कर सकता है? है? परंतु गुरुदेव ने तो कहा है कि हमारे गुरुदेव वृद्ध हो गए हैं, वृद्धावस्था के कारण कभी कभी भ्रमित हो जाते हैं, इसलिए वो ऐसी बातें करते हैं। कुंभकेतु, शंबरासुर स्वयं त्रिलोक का काल है, उसे आदिमाता पार्वती का वरदान प्राप्त हुआ है। मृत्यु शंबरासुर को स्पर्श भी नहीं कर सकती, फिर ये बालक भला मेरा विनाश कैसे कर सकता है? परंतु तुम अपनी तलवार को म्यान में रखो, मैंने प्रद्युम्न को अभय दिया है। तुम इसका वध नहीं करोगे, ये मेरी आज्ञा है। लीजिए महारानी, इस बालक को आशीर्वाद दीजिए। उठो भानुमति, उठो। लो भानुमति, अपना पुत्र ले लो और निश्चिंत हो जाओ। नारायण नारायण। देवी रती, देख लिया आपने, शंबरासुर ने साक्षात अपनी मृत्यु को अभय दिया है। यही तो प्रभु की लीला है। नारायण नारायण। तुम क्या
क्या समझ रही थी? मैं तुम्हें भाग जाने दूंगा? नहीं नहीं स्वामी, अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ना ही आपको हाथ में ये तलवार लेने की आवश्यकता है। अब संकट टल गया है स्वामी। परंतु जब तक ये बालक जीवित है संकट कैसे टल सकता है? आप किस संकट की बात कर रहे हैं स्वामी? भानुमती, सब कुछ जानकर अनजान बनने का नाटक कर रही हो। मैं प्रद्युम्न की बात कर रहा हूँ, प्रद्युम्न की। लाओ इसे मेरे हवाले कर दो। नहीं। लाओ ये बालक मेरे हवाले कर दो। नहीं, मैं ये बच्चा नहीं दूंगी तुम्हें, नहीं दूंगी बच्चा ये तुम्हें। महाराज ने इसे अभय दान दिया है। असुरेश्वर दयावान है, उन्होंने इस भ्रम में कि ये तुम्हारा पुत्र है इसे अभय दिया होगा। आपको क्या हो गया है? प्रद्युम्न हमारा ही पुत्र है। असत्य बार बार कहने से सत्य नहीं हो जाता। ये सत्य हमने सबसे छिपा रखा है कि प्रद्युम्न हमारा पुत्र नहीं है, ये मछली के पेट से मिला है। और यदि ये मेरा पुत्र होता भी तो महाराज की सुरक्षा के लिए मैं इसे नष्ट कर देता, क्योंकि यही स्वामी भक्ति की मांग है। ये कैसी स्वामी भक्ति है जिसमें आप अंधे होकर मानवता के स्तर से नीचे गिर रहे हैं? भानुमती, तुम स्थिति को समझने का प्रयास करो। गुरुदेव ने साफ शब्दों में कहा है कि इस बालक के कारण महाराज शंबरासुर और उनका साम्राज्य नष्ट हो जाएगा। और यदि साम्राज्य नष्ट होगा तो हम भी नष्ट हो जाएंगे। इससे अच्छा तो यही है कि इसी को नष्ट कर दे। नहीं, नहीं। तुम इसे नीचे रख दो, मैं इसी समय इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। यदि राजपुत्र कुंभकेतु इस अशुभ बालक को नष्ट ना कर सके तो क्या हुआ, मैं इसे नष्ट कर दूंगा। यदि आप इस बालक पर शस्त्र उठाएंगे तो महाराज शंबरासुर के आदेश का विरोध होगा। विरोध? हाँ। महाराज शंबरासुर के आदेश का? हाँ, जब महाराज शंबरासुर ने इसे स्वयं अभय दिया है तब इस बालक पर आंख उठाकर देखने वाला भी दंड का पात्र होगा। तुम क्या ये सच कह रही हो? हाँ, मैं सच कह रही हूँ। इसीलिए अब इस बालक को कोई नहीं मार सकता, आप भी नहीं। मैं इस बालक को इस समय नहीं मार सकता, ठीक है, परंतु मैं महाराज को सच्चाई तो बता सकता हूँ। सच्चाई? हाँ हाँ, सच्चाई। मैं महाराज शंबरासुर को बताऊंगा कि आप जैसा समझते हैं वैसा नहीं है, प्रद्युम्न हमारा पुत्र नहीं है। भानुमती ने प्रद्युम्न को जन्म नहीं दिया है, ये बालक मछली के पेट से मिला है। नहीं, नहीं स्वामी, ऐसा मत कीजिए। महाराज शंबरासुर को सच्चाई बताने से तो तुम मुझे नहीं रोक सकती ना? भगवान विष्णु, हे ईश्वर, तुमने मेरी प्रार्थना सुनकर मेरी सूनी गोद तो भर दी है, परंतु अब तुम्हें इस गोद को उजड़ने से बचाना, इस निष्पाप बालक की रक्षा करना, क्योंकि अब केवल तुम ही इसे बचा सकते हो, केवल तुम ही बचा सकते हो, केवल तुम ही बचा सकते हो प्रभु। मेरे बालक की रक्षा करना प्रभु, मेरे बालक की रक्षा करना।